तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं इस चैनल पे कभी जूस रेसिपीज बताऊंगी, लेकिन अपने 3 डे जूस फास्ट वाली वीडियो के नीचे इतने सारे कमेंट्स और रिक्वेस्ट देखने की वजह से मुझे लगा कि ये वीडियो मुझे बनानी चाहिए। तो जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को मैं बता दूं कि कुछ टाइम पहले मैंने 3 दिन का जूस फास्ट किया था, जिसमें मैंने 3 दिन तक लगातार कुछ नहीं खाया था, बस जूस पिया था। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के एंड में या फिर यहाँ पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो। तो इसीलिए आज इस वीडियो में मैंने जो भी जूस पिए मैं उनकी रेसिपी आपको बताऊंगी, साथ ही साथ में ये भी बताऊंगी कि मैंने कब कौन से टाइम में वो जूस लिए थे। और मैं एक बात पहले ही क्लियर कर दूं कि मैं जूस बना बना के नहीं दिखाऊंगी। मुझे लगता है आप में इतनी समझ तो होगी कि अगर मैं आपको इंग्रीडियंट्स बताऊँ, ये बता दूँ कि उसमें क्या क्या था, तो आप खुद ही वो बना लोगे। तो जूस फास्ट के 3 दिन सबसे पहला जूस जो मैं लेती थी वो था एशगार्ड जूस। एशगार्ड, जिसको हिंदी में सफ़ेद पेटा भी कहते हैं, एक तरह की वेजिटेबल होती है और आयुर्वेदा के हिसाब से ये एक हाई प्राणिक और सात्विक सब्जी होती है। हाई प्राणिक और सात्विक सब्जी का यही मतलब है कि ये हमारे अंदर ज़्यादा एनर्जी और ज़्यादा शांति देती है। एक और बेनिफिट इस वेजिटेबल का ये बताया जाता है कि ये बॉडी में मौजूद जो भी टॉक्सिन, जो भी गंदगी होती है, उसको अट्रैक्ट करके अपने साथ ले जाता है। तो इसीलिए माना जाता है कि इसको दिन की शुरुआत में पीना काफी अच्छा रहता है। जूस नंबर 2 था ग्रीन जूस, जिसमें मैंने डाला था पालक, खीरा, अदरक और सेब। तो मैं अभी आपको एक टिप देती हूँ, बहुत सिंपल सी, और एक फंडा बताती हूँ कि कभी भी आप अगर कोई ऐसा जूस बनाओ जो कि आपको लगता है टेस्टी नहीं होगा, जिसमें पालक है, खीरा है या फिर बीट रूट है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि अगर आप उसमें सेब डाल दो या कोई भी मीठा फल डाल दो तो वो जूस टेस्टी हो जाता है। ये टिप हमेशा याद रखना। जूस नंबर 3 बना था बीट रूट और एप्पल से। ये जूस आपको लग रहा होगा कि पता नहीं कैसा होगा, बट मैं आपको बता रही हूँ कि जूस बहुत बहुत यम्मी होता है। मतलब मुझे अभी सोच के ही ये वाला जूस पीने का मन कर रहा है, पर मेरे पास बीटरूट नहीं है, नहीं है पहले। तो जूस नंबर 4 जो मैंने बनाया था, उसमें मैंने डाला था ऑरेंज यानी कि संतरा, गाजर और छोटू सा अदरक। और ये भी मैं बता रही हूँ कि मेरे फेवरेट जूसेस में से एक है, क्योंकि ऑरेंज की जो ठंडक होती है ना, और जो खटास और मिठास, और उसके साथ गाजर जो एक माइल्ड सा होता है, वो इन दोनों मिक्स होके जो। तो लास्ट जूस रेसिपी जो मैं आपको बताने वाली हूँ, वो भी 2 इंग्रेडिएंट से बनता है और उसमें डलता है ऑरेंज, संतरा और पाइनएप्पल, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, अनानास। और आप चाहो तो अगर इसमें भी आपको पंच डालना है, जहाँ भी पंच डालना है ना, वहाँ अदरक डाल दो। इसके अलावा ये सब तो मिक्सचर्स हैं जो आप खुद ही एक्सपेरिमेंट करके भी बना सकते हो, लेकिन अगर आप सिंगल जूसेस भी पीना चाहते हो, ऑब्वियसली आपको पता होगा कि आप सिंगल जूसेस भी पी सकते हो, सिर्फ पाइनएप्पल का पीना है, सिर्फ ऑरेंज का पीना है, सिर्फ गाजर का पीना है, तो आप वो भी पी सकते हो, वो भी बहुत टेस्टी होते हैं। तो मैंने जब ये जूस फास्ट लेने की सोची थी, तो ये रेसिपीज़ मैंने कुछ इंटरनेट पर देखी थी और कुछ मैंने खुद एक्सपेरिमेंट की थी। जैसे जो वो ग्रीन वाला जूस था जिसमें पालक, खीरा और सेब और अदरक डाला था, वो मैंने खुद ही एक्सपेरिमेंट करके बनाया था और वो काफ़ी टेस्टी था। तो आप लोगों से भी मैं यही कहूँगी कि बस यही वाले जूसेस मत ट्राई करना जो मैंने बताए हैं या जो आपको इंटरनेट पर दिखते हैं। आप जब जूस फास्ट ले रहे हो, उस मौसम में कौन से फल मिल रहे हैं, कौन सी सब्जियाँ मिल रही हैं, कौन सी चीज़ें आपके घर में अवेलेबल हैं, उनके हिसाब से आप अपना जूस एक्सपेरिमेंट करके बना सकते हो। एक बात मैं आपको और बता दूँ, ध्यान से सुन लो, कान खोल के खोलिए अपना ये 3 दिन का जूस फास्ट। आप जब भी तोड़ोगे, सबसे पहले आपको फ्रूट्स खाने हैं और फ्रूट से ही धीरे धीरे अपना जूस फास्ट तोड़ना है। ये नहीं कि बस ओए मेरा तो जूस फास्ट खत्म हो गया, मैंने तो बहुत बड़ा चैलेंज लिया है, ये वो आज तो मैं छोले भटूरे ये वो, बिल्कुल मत सोचना। मैं बता रही हूँ आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, बहुत बुरी वाली। और ये मैं अपनी जो मैंने गलतियाँ की हैं उनसे सीख के ही आपको बता रही हूँ। जब मैंने अपना जूस फास्ट तोड़ा था ये 3 दिन वाला, तो 4th डे मैंने सुबह फ्रूट्स ही खाए थे। मुझे लगा था कि मैं बहुत अच्छे से तोड़ रही हूँ अपने जूस फास्ट, लेकिन जब लंच में दिन में मैंने डोसा और सब्जी और पता नहीं क्या क्या, नारियल की चटनी, ये सब खाने लगी मैं, डोसा आई थिंक बहुत हार्ड था मेरे लिए उस टाइम, तो मैंने देखा कि मेरे को एकदम से पसीने आने लगे, पेट में दर्द होने लगा और मुझे ऐसा लगा कि मैंने क्या कर लिया अपने साथ। मतलब बॉडी, मुझे पता लग रहा था कि उसको कितनी मुश्किल हो रही है वो खाना पचाने में। इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे उस टाइम भी फ्रूट्स खाने चाहिए थे या कोई सब्ज़ी खानी चाहिए थी, और मुझे धीरे धीरे अपना फास्ट खोलना चाहिए था। और यही सलाह जो सब लोग भी देते हैं, और मैं भी आपको यही दूंगी कि अपना जूस फास्ट जितना लंबा है उतना धीरे धीरे तोड़ना उसको, और कोशिश करना कि 4th डे अगर हो सके
सके तो आप पूरे दिन सिर्फ फ्रूट्स ही खाना। होता क्या है कि इतने दिनों तक जब हम सिर्फ जूस पे रहते हैं तो हमारी बॉडी को उसी की आदत हो जाती है और हमारा पेट भी छोटा हो जाता है। हमारी जो बॉडी होती है उसको लगता है कि अब भी जूस ही आएगा और वे रेडी नहीं होती इतना हार्ड खाना एकदम से पचाने के लिए। और जब हम एकदम से इतना भारी खाना खाते हैं तो बॉडी को शॉक लगता है और उससे बॉडी को नुकसान हो सकता है। इसीलिए जितना इम्पॉर्टेंट फास्ट रखना है उतना ही इम्पॉर्टेंट उसको सही से तोड़ना भी है। तो मैंने अपने 3 दिन के जूस फास्ट में पहले दिन 5 बार जूस पिया था, क्योंकि पहले दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल था और मुझे लग रहा था कि मुझे नहीं खाना चाहिए, मेरे को तो भूख लग रही है। तो मैंने 5 ग्लास जूस के पिए थे, बड़े वाले, आपने देख ही लिया होगा वीडियो में। दूसरे दिन और तीसरे दिन आई थिंक मैंने 4 ग्लास जूस के पिए थे। और इसका कोई रूल नहीं है कि आपको एक दिन में कितने ग्लास जूस के पीने हैं। आप 3 से 4 ग्लास तो आपको पीने ही चाहिए जूस शुरुआत में, और 5 भी आप पी सकते हो, 5 से ज़्यादा तो बिल्कुल मत पीना। मतलब ये तो ऐसा हो गया कि भाई जूस पास कर रहे हो या ये जूस पीने का बहाना है। तो मैं जब जूस पीती थी तो एक सुबह सुबह एक जूस पीती थी करीब 8-9 बजे के करीब, फिर मैं जो दूसरा जूस पीती थी वो 11-12 बजे पीती थी, तीसरा जूस 2-3 बजे के आसपास, चौथा जूस 5-6 बजे के आसपास, और पांचवा जूस रात को 8-9 बजे के आसपास। यार जूसेस की बातें कर करके मेरे मन कर रहा है कि बस मुझे कोई ऑरेंज जूस पिला दे। वैसे घर में पड़े हैं शायद ऑरेंजेस। मुझे जूस फास्ट की वजह से इतना मन किया जूस पीने का, मुझे लगा मैं ऑरेंज ही खा लेती हूँ क्योंकि मेरे घर में एक ही ऑरेंज था, जूस बनाने का टाइम नहीं था। तो अब मैं खाने वाली हूँ अपना ये ऑरेंज। और आपको भी अगर ये टेस्टी टेस्टी जूस बनाने का मन कर गया है, पीने का मन कर गया है, तो ऐसे ही बना लो। जूस फास्ट करना है तो आपको बनाने ही पड़ेंगे। और मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना अगर आप ये जूस फास्ट ट्राई करते हो या ये जूसेस की रेसिपी ट्राई करते हो तो आपको कैसी लगी। बस अब मैं खाने वाली हूँ और बाय।